अगर एक कैपेसिटर को एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है तो उस कैपेसिटर में कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं तो सबसे पहले तो देखिए ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जिसका कि जो ग्राफ है वोल्टेज का ग्राफ है ये यह यहाँ पर डिपिक्टेड है तो ये वोल्टेज का ग्राफ है अब ये जो वोल्टेज होगा जो सोर्स का वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स है दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर्स है तो कनेक्टिंग वायर से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है यहाँ भी कनेक्टिंग वायर से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम होगा इस लॉजिक से देखा जाए तो सोर्स के जो दो टर्मिनल्स हैं इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स का कैपेसिटर के प्लेट्स का भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा अब यहाँ पर जैसे कि पिछले वीडियो में जहाँ पर हमने इस तरह के सिनेरियो में करंट को कैलकुलेट किया था वहाँ पर हमने देखा था कि करंट जो है ये वोल्टेज के साथ 90 डिग्री फेज डिफरेंस में रहता है ये करंट का जो ग्राफ होता है ये पहले चलता है और वोल्टेज उसके बाद 90 डिग्री बाद या पाई बाय टू बाद चलता है तो यहां से अगर आप देखें तो यहां ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम करंट को इंडिकेट कर रहा है करंट का मैक्सिमम वैल्यू करंट देखें यह भी ऑसिलेट करेगा जैसे सोर्स वोल्टेज ऑसिलेट कर रहा तो करंट भी ऑसिलेट कर रहा यहां ये है यहाँ पर यह मैक्सिमम है घटते 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 जीरो हुआ फिर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ये मैक्सिमम हुआ फिर ये बढ़ते बढ़ते ज़ीरो हुआ या अपोजिट डायरेक्शन में कहें तो घटते घटते ज़ीरो हुआ फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज करके बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ तो ये मैक्सिमम करंट है उसी तरह से अगर देखा जाए तो वोल्टेज जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा दी एम वी एम मैक्सिमम वोल्टेज वोल्टेज भी इसी तरह से ऑसिलेट कर रहा अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा अब देखें यहां पर चूँकि कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा जो दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पे प्रोपोर्शनल होगा इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि चार्ज किस तरह से स्टोर होगा लेड से कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में ये जमा कर रहा है और यहां पर नेगेटिव चार्ज इस प्लेट में जमा होगा क्योंकि जो कन्वेंशनल करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा या इस केस में अगर देखा जाए तो जो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस समय करंट का फ्लो हो रहा है तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज आया ऐसा करते 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 esta? एक समय करंट जो है करंट ये रुक जाएगा यहां पर देखिए करंट जो है एक समय आखिर रुक जाएगा रुक जाएगा मतलब यहाँ चार्ज जो है चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा करंट कन्वेंशनल करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा करेंट, करेंट इस में फ्लो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से अब पॉजिटिव चार्ज घटना शुरू होगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज घटना शुरू होगा क्योंकि करंट जो है कन्वेंशनल करंट नेगेटिव प्लेट तक पहुँचेगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक पहुँचेगा मतलब चार्जेस जो है चार्जेस ड्रॉप करने लगेगा इस सेंस में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम चार्ज जो है ये मैक्सिमम चार्ज कब होगा मैक्सिमम चार्ज इस पॉइंट ऑफ टाइम में होगा जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा उसी समय चार्ज स्टोर्ड जो है मैक्सिमम होगा फिर करंट अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा और उसके कारण प्लेट का जो चार्ज है ये भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और वैसे भी अगर आप देखें कि एक कैपेसिटर कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर्ड है और उसके प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन होता है कि वोल्टेज जो है वोल्टेज और और चार्ज के बीच का रिलेशन ये होता है कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का दैट इज़ इक्वल टू किसी भी प्लेट में स्टोर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड उसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि चार्ज स्टोर्ड जो है दैट इज़ इक्वल टू वी वी प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन टू कैपेसिटेंस सी कैपैसिटन्स तो इसके इसमें फिक्सड है इसका अपना इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कैपेसिटर का तो यहाँ पर देखिए चार्ज जो है वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल है चार्ज वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल है इस सेंस में भी आप समझ सकते हैं इस पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम में चार्ज जो है स्टोर्ड चार्ज जो है ये मैक्सिमम होगा अगर चार्ज वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल होगा और स्टोर्ड चार्ज के लिए हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वोल्टेज जैसा ही शेप लेगा वोल्टेज का जो जो कर्व है या जो ग्राफ है उसी के जैसा ये शेप लेगा उसी के साथ सेम फेज में होगा एक ही साथ बढ़ेगा एक ही साथ घटेगा तो उस सेंस से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसी पॉइंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड भी होगा कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड विच इज़ डिनोटेड बाई क्यू सो मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड क्यू एम है मतलब इन एक्सट्रीम केसेस इन एक्सट्रीम केसेस इस प्लेट में पॉजिटिव क्यू एम चार्ज रहेगा और इस प्लेट में नेगेटिव क्यू एम चार्ज रहेगा फिर यहाँ से चार्ज घटना शुरू होगा घटना शुरू होगा क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस पॉइंट में जाके इस पॉइंट ऑफ टाइम में जाके चार्ज जो है ओपोजिट हो जाएगा मतलब यहाँ पर नेगेटिव क्यू एम होगा और यहाँ पर पॉजिटिव क्यू एम होगा तो इस तरह से चार्ज जो है स्टोर्ड चार्ज जो है ये भी ऑसिलेट करेगा इसीलिए इसके लिए भी हमें एक साइन का ग्राफ दिख रहा है ऑसिलेटिंग कर्व हमें दिख रहा है अब देखिए इस फॉर्मूला से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं चूँकि चार्ज स्टोर्ड और पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच ये फेज में होता है सेम फेज़ में होता है तो क्यों चूँकि V के साथ प्रोपोर्शनल है तो क्यों तब मैक्सिमम होगा जिस समय वी मैक्सिमम होगा तो यही वाला फार्मूला इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब यहाँ से अगर आप मैक्सिमम करंट जो है या फिर करंट जो है करंट के साथ यहाँ पर चार्ज स्टोर्ड जो है इसका अगर इंटरलिंकिंग फार्मूला अगर पता करना चाहें तो देखिए हमें पता है कि मैक्सिमम करंट जो है यहाँ पर इस कैपेसिटर वाले सर्किट के केस में क्या होता है दैट मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था डिवाइडेड बाय अगर ये रेजिस्टिव सर्किट होता तो हम कहते डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लेकिन यहाँ पर चूंकि कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और कैपेसिटर वाले सर्किट में रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे कि हम एक्स सी से डिनोट करते हैं एक्स सी हमें पता है दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू मैं चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय ओमेगा सी सी कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का और ओमेगा जो है जिस एंगुलर स्पीड से ये ऑसिलेशन हो रहा है मतलब जिस आर्मेचर के रोटेशन के कारण ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का जो सोर्स वोल्टेज है ये बन रहा है उसका एंगुलर स्पीड वो जिस स्पीड से इस तरह से रोटेट कर रहा है ऐसे ये एंगुलर स्पीड से आर्मेचर रोटेट कर रहा है उसी के कारण जो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्रिएट हो रहा है वो एंगुलर स्पीड जो है दैट इज़ ओमेगा तो यहाँ से ये वाला वैल्यू वन ओवर ओमेगा सी यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दे तो हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू वी एम ओमेगा सी तो ये मैक्सिमम करंट है और यहाँ पर देखें मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड है ये बराबर है वी एम इंटू सी के वी एम इंटू सी के तो यहां से ये क्लियर है कि मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज के बीच जो रिलेशन है ये एक दूसरे के साथ ओमेगा टर्म के साथ इंटर रिलेटेड है ओमेगा के साथ दैट मीन एंगुलर स्पीड इस ऑसिलेशन के एंगुलर स्पीड के साथ मैक्सिमम चार्ज टोड को मल्टीप्लाई कर देने से हमें मैक्सिमम करंट का मैग्नीट्यूड मिलता है ये तो एक तरीके से हमने इसे डिराइव किया है एक दूसरे तरीके से भी इसे हम डिराइव कर सकते हैं सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखिए वेन टाइम इज इक्वल टू जीरो जब टाइम जो है ये जीरो के बराबर है इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखें चार्ज स्टोर्ड जो है चार्ज स्टोर्ड जीरो के बराबर है और उस समय इतना करंट फ्लो कर रहा है फिर धीरे 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 अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में जाए ये कंप्लीट रिवोल्यूशन है तो दैट इज़ टाइम पीरियड एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा इतने टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है सो दिस इज़ टी बाई टू टाइम पीरियड ओवर टू और ये जो टाइम है ये है टाइम पीरियड ओवर फोर तो जीरो से लेके टाइम जीरो से लेके अगर टी ओवर फोर तक आप देखें तो आप ये पाएंगे चार्ज यहाँ पर ज़ीरो था स्टोर्ड चार्ज जीरो था वोल्टेज भी अक्रॉस द द कैपेसिटर ये ज़ीरो था पोटेंशियल डिफरेंस धीरे 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 ये बढ़ रहा वोल्टेज भी बढ़ रहा और स्टोर्ड चार्ज भी बढ़ रहा इस पॉइंट ऑफ टाइम में स्टोर्ड चार्ज मैक्सिमम हुआ दैट मीन टी ओवर फोर टाइम में स्टोर चार्ज मैक्सिमम हुआ अब यहाँ पर आप देखें ये चार्ज को स्टोर कौन कर रहा है ये वाला जो करंट है ये करंट जो है ये चार्ज को स्टोर कर रहा है यहाँ पर ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये चार्ज को स्टोर कर रहा है ऐसे करंट फ्लो कर रहा है करंट मतलब क्या कि बहुत सारा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा वही चार्ज यहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है तो आप देखें चूंकि करंट के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करने से हमें चार्ज मिलता है कितना चार्ज पास किया एक क्रॉस सेक्शन को एक सर्टेन टाइम में ये पता करने के लिए हमें करंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू करंट सो करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज कैरी करके इस प्लेट में ले जा रहा है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो ये वाला करंट है जो कि यहाँ इस ग्राफ से डिपिक्टेड है ये जितना चार्ज कैरी करके ले जाएगा जीरो से टी ओवर फोर टाइम में उतना ही चार्ज कैपेसिटर में स्टोर होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में चार्ज स्टोर्ड जीरो था धीरे 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 बढ़ रहा करंट के कारण बढ़ रहा वही करंट जो चार्ज फ्लो कर रहा वही स्टोर हो रहा स्टोर होते होते इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम चार्ज स्टोर हुआ तो इतने समय में इतने समय में जो ये करंट चार्ज कैरी करके ले जाएगा दैट इज़ इक्वल टू ये टाइम एक्सिस के साथ ये वाला जो टाइम एक्सिस है इस टाइम एक्सिस में ये कितना एरिया सब टेंड कर रहा है दैट विल भी इक्वल टू मैक्सिम चार्ज जो स्टोर करेगा तो ये कितना एरिया यहाँ पर कैरी या कवर कर रहा है इसके लिए आप देखिए यहाँ पर अगर करेंट के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं तो करंट के लिए इक्वेशन ये दैट इज इक्वल टू यहाँ पर देखें कोसाइन का ग्राफ मिल रहा है अगर वोल्टेज के लिए देखें तो साइन का ग्राफ हमें मिल रहा करंट के लिए कोसाइन ग्राफ मिल रहा है सो दैट इज इक्वल टू कोसाइन कोसाइन ऑफ ओमेगा टी लेकिन यहां पर देखिए इसका एम्पलीट्यूड ये वन नहीं है एम्पलीट्यूड आई एम है तो यहां पर उस एम्पलीट्यूड को हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा आप साइन के फंक्शन में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पर हमें एक फेज एंगल इंट्रोड्यूस करना होता है 90 डिग्री फेज एंगल इंट्रोड्यूस करना होगा तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है ये कोसाइन वाला ग्राफ है क्योंकि वोल्टेज को हमने साइन ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है वी एम मैक्सिमम वोल्टेज ये इसका एम्पलीट्यूड है इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी इससे हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है सो so, यहां पर अगर आप देखें तो तो यह जो एरिया यहां पर कवर करेगा दैट एरिया वो एरिया किसके बराबर होगा इसके लिए हमें इंटीग्रेशन का मदद लेना होगा यहां पर यह जो एरिया ये कवर कर रहा है दैट एरिया इज इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड क्यू चार्ज स्टोर्ड जो है और यही बराबर हो जाएगा Q मैक्स max के मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड क्योंकि यहाँ ज़ीरो से शुरू हो रहा चार्ज स्टोर्ड सो सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्यू एम दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेट करना होगा हमें किसे इंटीग्रेट करना होगा जो करंट है करंट के लिए जो इक्वेशन है आई एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी और यहाँ से हमें डी टी मल्टीप्लाई करना होगा कहने का मतलब ये है कि इसी चीज़ को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक किसी आर्बिटरी पॉइंट ऑफ टाइम में जो करंट बन रहा उस करंट के साथ एक छोटे से टाइम पीरियड एक छोटा सा इतना सा टाइम पीरियड में ये जितना चार्ज सेंड करेगा दैट इज इक्वल टू दिस टर्म उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो करंट है वच इज़ आई एम को साइन ओमेगा इन टू डी टी यहाँ पतला सा एक बैंड हमने कंसीडर किया छोटा सा टाइम पीरियड इनफाइनाइट एसिमल टाइम पीरियड हमने कंसीडर किया दैट इज़ डी टी उतने समय में ये कितना चार्ज सेंड करेगा सो आई एम को साइन ओमेगा इन टू डी टी इतना चार्ज वो सेंड करेगा टोटल इस पीरियड में कितना चार्ज सेंड करेगा इसके लिए हमें उसे इंटीग्रेट करना होगा और लिमिट देखें जीरो से टी ओवर व फोर तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे कोसाइन ऑफ ओमेगा टी इसे इंटीग्रेट करने से हमें साइन ऑफ ओमेगा टी मिलता है और डिवाइडेड बाई ओमेगा रहेगा क्योंकि टाइम के साथ ओमेगा मल्टीप्लाइड है यहाँ पर आई एम जो है टाइम इनडिपेंडेंट है तो इसे इंटीग्रल के पहले ही बाहर ले जाते हैं अब देखिए कोसाइन ऑफ ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी ये बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा लिमिट देखे जीरो से टी ओवर फोर आगे बढ़ते हैं यहां से और और आप देखे यहां पर यह हो जाएगा आई एम और साइन साइन ऑफ ओमेगा ओमेगा टी ओवर फोर माइनस साइन ऑफ जीरो पहले हमने टी ओवर फोर को टी के जगह और फिर सेकेंड केस में इस वाले केस में टी के जगह जीरो पुट किया और यहां पर डिवाइडेड बाई ओमेगा और लिमिट देखे लिमिट तो यहां पर हमने बैठा लिया है सो सो साइन साइन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर फोर तो साइन ऑफ सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहां पर मान ले आर्मेचर ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है और टी जो है कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम है तो फिर ओमेगा के साथ टी मल्टीप्लाई करने से हमें वो वाला एंगल मिलेगा जो कि कंप्लीट रिवोल्यूशन से एंगल बनता है कंप्लीट रिवोल्यूशन से कितना एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू टू पाई या थ्री सिक्सटी डिग्री तो तो यहाँ पर देखें ओमेगा टी ओमेगा टी का मतलब टू पाई यानी कि थ्री सिक्सटी डिग्री है सो ओमेगा टी डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाई टू तो ये बन गया साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस यहां पर बन गया साइन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय ओमेगा सो यहां से देखिए साइन ऑफ पाई बाई टू इज वन और साइन ऑफ जीरो इज जीरो वन माइनस जीरो इज वन सो ये बन गया आई एम डिवाइडेड बाय ओमेगा सो सो यहां से भी ये क्लियर है यहां से भी ये क्लियर है कि आई एम और क्यू के बीच का जो रिलेशन होता है ये होता है क्यू एम इंटू ओमेगा जो कि हमने जो कि हमने इस फॉर्मूला से भी इस फार्मूला से या इस तरीके से भी डिराइव करके देखा था ये जो डेरिवेशन है ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जब हम लोग अगले वीडियो में एल सर्किट में हम ए वोल्टेज सोर्स को जोड़ेंगे उस समय बहुत सारी चीज़ें जब हम एनालिटिकल प्रोसेस से एनालिटिकल मेथड से आगे बढ़ते हैं तब हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैथमेटिक्स में अज्यूम करके हम लोग चलते हैं जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो उस केस में ऐसे बहुत सारे टर्म्स ऐसे बहुत सारे इक्वेशन सामने आने वाला है जिसका मतलब अगर आप पहले से जान ले तो आपको बेहतर वहाँ पर इंट्यूटिव सेंस ग्रो होगा फिजिकल सेंस ग्रो होगा मैथमेटिकल सेंस तो वहाँ से ग्रो होगा ही साथ ही साथ अगर फिजिक्स के छोटी छोटी चीज़ों को आप वहाँ साथ लेकर चले तो वहाँ जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है हर एक हर एक एक्सप्रेशन का हर एक इक्वेशन का तो वो आप वहां पर बिल्ड कर पाएंगे तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का कि अगले वीडियो में जब एलसीआर सर्किट को हम एसी वोल्टेज से जोड़ेंगे और एनालिटिकल मेथड से करंट पता करेंगे उस समय ये जो है ये टर्म करने वाला है तो वहां पर मैथमेटिकल सेंस में तो हम चलिए मान लेंगे चलिए हाँ सोल्यूशन के तौर पर यह निकला कि आई एम इज इक्वल टू क्यू एम क्यूमेगा लेकिन उसका असली फिजिकल मीनिंग क्या है वो फिजिकल मीनिंग जानना जरूरी था तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प होगा तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो अब जो पूरा चैप्टर है पूरे चैप्टर का जो प्ले है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें गुड बाय